हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप एमएससी फाइनल ईयर की सीरीज़ में यूनिट नंबर सेकंड एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस इन कंटिन्यूम पढ़ रहे थे, और उनके हमने एग्जांपल्स और मतलब कहें कि बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। आज हम एक एग्जांपल लेंगे और एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर स्ट्रेस टेंसर। ठीक है, पहले मैं इसको लिखवा देती हूँ। लैंग्वेज का है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, आपको केवल सिर्फ ये याद रखना है सिग्मा आई जे डैश इक्वल क्या होता है, ए आई आर ए जे एस और सिग्मा आर एस लिखते हैं। डायरेक्ट ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि थ्योरी बेस आ जाए आपको, या ये कह के डिफाइन करो, तो आपको क्या क्या लिखना है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखवा रही हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर स्ट्रेस टेंसर। सिंस ए आई डैश इक्वल ए आई जे ए जे, ए आई डैश इक्वल क्या होता है, ए आई जे ए जे, सिग्मा आई जे डैश इक्वल ए आई आर ए जे एस सिग्मा आर एस। अब यहाँ पर दो सिस्टम लेंगे, तो मैं सिस्टम्स यहाँ बना देती हूँ। देखिए, वाई वन वाई टू वाई थ्री, यहाँ वाई वन डैश ओ डैश वाई टू डैश वाई थ्री डैश। अब यहाँ लिखिए लेट वाई आई एंड वाई आई डैश आर टू सिस्टम एंड सिग्मा आई बी स्ट्रेस वेक्टर। एन आई यूनिट नॉर्मल वेक्टर, देन बाई ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से क्या होगा, सिग्मा जे डैश इक्वल ए जे एस सिग्मा एस इक्वल ए जे एस सिग्मा आर एस एन आर। यहाँ लिखना सिग्मा आई इक्वल सिग्मा जे आई एन जे इक्वल में ए जे एस सिग्मा आर एस ए आर आई एन आई डैश, सिंस एन आर इक्वल ए आर आई एन आई डैश। लेट सिग्मा आई जे डैश एन आई डैश इक्वल ए जे एस ए आर एस ए आर आई या ए आई आर, एक ही बात है, ए आई आर एन आई डैश। दैट एम्प्लाइज सिग्मा आई जे डैश माइनस ए जे एस ए आई आर और सिग्मा आर एस एन आई डैश इक्वल जीरो। दैट एम्प्लाइज एन आई डैश इज नॉट इक्वल जीरो। डायरेक्शन यूनिट नॉर्मल वेक्टर, द डायरेक्शन कभी जीरो नहीं होगा। सिग्मा आई जे डैश इक्वल ए जे एस ए आई आर सिग्मा आर एस, ये आ जाएगा। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर स्ट्रेस टेंसर क्या है। ए आई डैश इक्वल क्या होता है, ए आई जे ए जे, ये आप जानते हो। सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक डैश लगा यानी कि एक इंडेक्स है, तो ए
स्मॉल ए एक बार ही आएगा, अगर दो इंडेक्स है तो स्मॉल ए कितनी बार आएगा, दो बार आएगा। और सिग्मा आई जे डैश इक्वल क्या आएगा, ए आई आर ए जे एस सिग्मा आर एस। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के लिए दो सिस्टम्स लेंगे, एक तो होगा वाई वन वाई टू वाई थ्री, ठीक है, दूसरा है वाई वन डैश वाई टू डैश वाई थ्री डैश ओ डैश। अब लेट वाई आई एंड वाई आई डैश आर टू सिस्टम, वाई आई और वाई आई डैश कैसे दो सिस्टम्स हैं, एंड सिग्मा आई वी स्ट्रेस वेक्टर। सिग्मा आई क्या है, स्ट्रेस वेक्टर है, एन आई क्या होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा। देन बाय ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से क्या होगा, सिग्मा जे डैश इक्वल क्या होता है, ए जे एस सिग्मा एस, ए जे एस सिग्मा एस को हमने क्या कहा, सिग्मा आर एस एन आर, सिग्मा आर एस एन आर, सिग्मा आई बराबर सिग्मा जे आई एन जे होता है। अब क्या होगा, ए जे एस सिग्मा आर एस एन आर को हम क्या कहेंगे, ए आई आर एन आई डैश, ए आई आर ए आर आई या ए आई आर भी लिख सकते हो आप, ए की बात इंडेक्स है, इंडेक्स नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। सिग्मा जे डैश को हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा आई जे डैश एन आई डैश इक्वल में ए जे आर सिग्मा आर एस ए आई आर एन आई डैश। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, एन आई डैश कॉमन आया और बाकी स्टेप्स ये रही, सिग्मा आई जे डैश इक्वल माइनस में ए जे एस ए आई आर सिग्मा आर एस इक्वल जीरो। अब यहाँ से क्या प्रूफ होता है, एन आई की अभी भी जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, इकाई रहेगा हमेशा, और सिग्मा आई जे बराबर क्या आ जाएगा, जब ये वैल्यू जीरो नहीं है तो ब्रैकेट की वैल्यू जीरो होगी, तो सिग्मा आई जे डैश माइनस ए जे एस ए आई आर सिग्मा आर एस की वैल्यू जीरो होगी, तो इसको आप आर एच एस में वापस भेजोगे तो सिग्मा आई जे डैश इक्वल क्या आएगा, ए जे एस ए आई आर सिग्मा आर एस। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हो गया। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ पर एक हम एग्जाम्पल करेंगे, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है द कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेस टेंसर at a point in a continuum r sigma ij equal 1 to 1 2 4 2 1 2 6 के ऐसा ही इसकी यूनिट है, ठीक है। व्हेन रिफर टू रिफर्ड टू ए सेट ऑफ अनप्राइम्ड वाई आई एक्सिस इसमें ए पार्ट है, फाइंड द
कंपोनेंट्स सिग्मा वन वन डैश, सिग्मा टू टू डैश, सिग्मा थ्री थ्री डैश रिफर टू ए सेट ऑफ प्राइम्ड वाई आई डैश एक्सेस ऑब्टेंड बाय रोटेटिंग द अनप्राइम्ड एक्सेस through an angle about the y one axis. इसमें b part और show करना है. show that सिग्मा आई आई इक्वल देखिए क्या बोला है. द कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस टेंसर. कॉम्पोनेंट्स किसके? स्ट्रेस टेंसर के. एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर, इन ए कंटेनम, किसी कंटेनम बॉडी में, किसी पॉइंट पर स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई जे गिवेन है 1 2 1 2 4 2 1 2 6 के एस आई यानी यूनिट एस की. व्हेन रिफर टू ए सेट ऑफ अनप्राइम्ड वाई आई एक्सिस. जो एक सेट बनाएंगे यानी वाई वन और वाई डैश जो होंगे वो एक ही फ्रेम से होंगे, एक ही ओ डैश होगा यानी ओ इक्वल ओ डैश होगा. ए फाइंड करना है. फाइंड द कॉम्पोनेंट सिग्मा वन वन डैश, सिग्मा टू टू डैश, सिग्मा थ्री थ्री डैश फाइंड आउट करना है. रिफर टू द सेट प्राइम्ड वाई आई डैश एक्सिस ऑप्टेन बाई रोटेटिंग अनप्राइम्ड एक्सिस. अनप्राइम्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कराना है. थ्रो एन एंगल ऑफ 45 डिग्री अबाउट द वाई वन एक्सिस. वाई वन एक्सिस के थ्रो आउट इसे हमें क्या कराना है? रोटेट कराना है. तो हम सबसे पहले ए पार्ट प्रूफ करेंगे और बी पार्ट हम नेक्स्ट करेंगे. सिग्मा आई आई डैश इक्वल सिग्मा आई आई. अब देखिए हमें ए पार्ट के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा. तो मैं डायग्राम यहाँ नहीं यहाँ बना देती हूँ ताकि आपको याद रह जाएगा. अब ए पार्ट के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं. तो यहाँ देखिए ये वाई वन हो गया, y2, y3. अब इन्होंने बोला है कि वाई आई डैश एक्सिस और वाई आई, वाई वन और वाई वन डैश दोनों एक ही साइड लो. तो आप वाई वन और वाई वन डैश एक साइड में ले लेंगे, फिर यहाँ पर वाई टू डैश ले लेंगे. ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया. अब यहाँ पर y3 थ्री डैश ले लिया, ये 45 डिग्री हो गया. ठीक है, ये लेंगे. क्यों लेंगे? अबाउट बोला, जिसके अबाउट बोलते तो वो सेक्शन क्या हो जाता है, एक ही साइड में हो जाता है. बाकी को 45 डिग्री बोला है, थीटा बोला होता तो हम थीटा लेते हैं. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे. तो y1 y2 y3 लेंगे और y1 डैश y2 डैश y3 डैश लेंगे. तो हम क्या निकालेंगे, देखिए अब बाय ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, बाय ट्रांस फॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ. सिग्मा आई जे डैश निकालना है यानी सिग्मा वन वन, सिग्मा टू टू, सिग्मा थ्री थ्री. क्या होगा? ए आई आर, ए जे एस, सिग्मा आर एस, ये हमें फाइंड आउट करना है. अब हम ए आई जे निकालेंगे. कैसे निकालते हैं? तो देखिए ए आई जे इक्वल वाई वन डैश, ए आई जे इक्वल, आप ऐसा करो यहाँ लिख दो y1, y2, y3. यहाँ लिख दीजिए y1 डैश, y2 डैश, y3 डैश. अब
यहाँ वाई वन डैश का वाई वन के साथ में कितने का एंगल बन रहा है, कॉस, कॉस लेंगे हमेशा थीटा में कॉस लेंगे तो कॉस जीरो का, ठीक है। वाई वन डैश का वाई टू के साथ में क्या होगा, वाई वन डैश का वाई टू के साथ में कितने का होगा, वाई वन डैश का वाई टू के साथ, वाई टू डैश के साथ में कितना है, कॉस 90 है, तो वाई वन का वाई टू डैश के साथ में कितना होगा, कॉस 90 ही होगा, यानी वाई वन डैश का वाई टू के साथ कितना होगा, कॉस 90, ठीक है। फिर वाई वन डैश का डैश वाला है ना, तो वाई थ्री के साथ में कितने का आएगा, जब वाई वन का वाई थ्री के साथ में कॉस 90 है, तो वाई वन डैश भी इसी पे है, तो वाई वन डैश का वाई थ्री के साथ भी कितना होगा, कॉस 90, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए वाई टू डैश का वाई वन के साथ, तो वाई टू डैश का वाई वन के साथ कॉस 90 का ही होगा, क्यों, क्योंकि वाई वन डैश का भी कितना का होता है, कॉस 90 का, तो क्या आ गया, कॉस 90। अब वाई टू डैश का वाई टू के साथ में कितने का आएगा, कॉस 45 का, ठीक है, कॉस 45। अब वाई टू डैश का वाई थ्री डैश के साथ में, वाई टू डैश का वाई थ्री डैश के साथ में कितने का एंगल बनेगा, कॉस 90 का, ठीक है, कॉस 90 का वाई टू डैश का वाई थ्री के साथ में, हाँ तो वाई टू डैश का वाई थ्री के साथ में बनेगा कॉस 90, नहीं कॉस 90 माइनस 45 बनेगा, वाई टू डैश का वाई थ्री के साथ में कॉस 90 का है, तो वाई थ्री के साथ में बनेगा कॉस 90 माइनस 45, ठीक है। अब ये साइन 90 साइन 45 हो जाएगा, ठीक है, और वो भी 1/√2 आएगा। अब आगे देखिए यहाँ क्या होगा, वाई थ्री डैश का वाई वन के साथ में, तो कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। और फिर देखिए वाई थ्री डैश का, वाई थ्री डैश का कितना आएगा, वाई थ्री डैश का वाई टू के साथ में, तो वाई थ्री डैश का वाई टू के साथ डैश के साथ में 90, 90 प्लस 45, कॉस 90 प्लस 45, यानी माइनस साइन 45 हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 45। अब वाई थ्री डैश का वाई थ्री के साथ में कितने का, कॉस 45 का, ठीक है, कॉस 45 का। अब यहाँ पर ये वैल्यूज निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कॉस 0, 1, 1, 0, 0, और यहाँ कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 0, कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, 1/√2, माइनस 1/√2 और 1/√2, ये आ गया सिग्मा आई जे, ए आई जे, सॉरी ए आई जे, ए आई जे, इसको मैं लिख दूँ क्या, ए आई जे, मैंने यहाँ लिख दिया। अब बस इस दोनों वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत है और ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की, और बाकी हम सॉल्व आउट कर लेंगे। और सिग्मा आई जे की वैल्यू क्या है वो और लिख लो, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सिग्मा आई जे, सिग्मा आई जे इक्वल है 1/21, 2/42, 1/26। अब बस अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगाना है और कुछ नहीं, डायग्राम की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, अब देखिए हमने क्या कहा था ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से, सिग्मा आई जे डैश इक्वल ए आई आर ए जे एस सिग्मा आर एस। अब सिग्मा वन वन की वैल्यू निकालनी थी, वन वन डैश की, यानी आई और जे बराबर हम क्या रखें, वन रख दें, तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा वन वन डैश इक्वल, इसे इक्वेशन नंबर ए मान लेना, हमेशा ही काम आएगी, ए आई आर ए वन आर ए वन एस सिग्मा आर एस। अब R की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे तो S की वैल्यू 1, 2, 3, नौ कॉम्पोनेंट्स में टूट जाएंगे ये। R की वैल्यू कितनी रखो, 1 रखो, तो S की वैल्यू 1, 2, 3, R फिक्स कर लो एक बार और फिर S की वैल्यू चेंज करते जाओ,
ठीक है, फिर आर की वैल्यू प्लस में ही लिखेंगे दो, और एस की वैल्यू 1 2 3, फिर आर की वैल्यू 3 और 1 2 3 इस तरीके से। अब हम करें तो देखिए क्या आएगा, सिग्मा 1 1 डैश इक्वल a 1 1। अब एस की वैल्यू 1 रखो पहले, 1 1 तो सिग्मा 1 1 प्लस, अब एस आर की वैल्यू तो सेम है, एस की वैल्यू 2 रख दो तो सिग्मा 1 2 प्लस आर की वैल्यू अब 1 है और एस की वैल्यू 3 रखो, a 1 1 a 1 3 सिग्मा 1 3। अब देखिए आर की वैल्यू यहाँ पर चेंज करो, 2 रख दो और एस की वैल्यू 1 2 3 रख दो। ऐसे कॉम्पोनेंट्स तोड़ेंगे तो आएंगे आपको, है ना, वरना आपको नहीं आएगा। वरना ऐसे करके जो हम बनाते थे ना यहाँ, यानी कि यहाँ आर की वैल्यू 1 रखो, ठीक है, फिर यहाँ पर 3 कॉम्पोनेंट्स लिखो, फिर आर की वैल्यू यहाँ 2 रखो, फिर 3 कॉम्पोनेंट्स लिखो, आर की वैल्यू 3 रखो, यहाँ 3 कॉम्पोनेंट्स लिखो, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या एक लाइन में लिख दो। तो एक लाइन वाला बेस्ट रहेगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तो आप इसमें कर सकते हैं। अब देखिए आर की वैल्यू 2 तो a 1 2 a 1 1 सिग्मा 2 1, a 1 2 a 1 2 सिग्मा 2 2 प्लस a 1 2 a 1 3 सिग्मा 2 3। अब आर की वैल्यू 3, एस की वैल्यू 1 2 3। अब क्या आएगा, a 1 3 a 1 1 सिग्मा 3 1 प्लस a 1 3 a 1 2 सिग्मा 3 2। a 1 3 a 1 a 1 3 a 1 3 सिग्मा 3 3, ये होगा। अब इनके कंपोनेंट्स तोड़ेंगे तो सिग्मा 1 1 डैश a 1 1 जिसकी वैल्यू 0 वो 0 रखेंगे हम, यानी कि a 1 1 देखो 1 है, सिग्मा 1 1 की वैल्यू 1 है तो 1 यानी 1 आ जाएगा, प्लस a 1 1 की वैल्यू 1 है लेकिन a 1 2 की वैल्यू 0 तो a 1 2 वाली 0 हो जाएगी, a 1 3 की वैल्यू 0, a 1 2 के आगे वैल्यू 0, a 1 2 की वैल्यू 0 और a 1 2 की वैल्यू 0, a 1 3 की वैल्यू भी 0, a 1 3 की वैल्यू 0, a 1 3 की वैल्यू 0, आगे वाले सारे कॉम्पोनेंट 0 हो जाएंगे। तो यानी कि दैट इम्प्लाइज सिग्मा 1 1 डैश इक्वल कितना आ गया, 1 आ गया, सिग्मा 1 1 डैश इक्वल 1 आ गया। अब क्या करना है, अब हमें सिग्मा 2 2 डैश निकालना है। तो आई और जे, पुट आई इक्वल जे इक्वल टू एन इक्वेशन ए, एन इक्वेशन ए, ए में पुट करेंगे तो ए में पुट करोगे तो यहाँ आएगा आपके सिग्मा 2 2 डैश इक्वल a 2 r a 2 s सिग्मा rs। अब आपको वापस खोलना है तो क्या आएगा, वापस खोलेंगे तो a 2 1 आर की वैल्यू वही 1, मैं बता देती हूँ आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 1 2 3। कॉम्पोनेंट्स तोड़ेंगे आप तो यहाँ आएगा सिग्मा 2 2 डैश इक्वल a 2 1 a 2 1 सिग्मा 1 1 प्लस a 2 1 a 2 2 सिग्मा कितना आएगा 1 2 प्लस a 2 1 a 2 3 सिग्मा 1 3। और फिर आगे r की वैल्यू 2 तो a 2 2 a 2 1 सिग्मा 2 1, a 2 2 a 2 2 सिग्मा 2 2 प्लस a 2 2 a 2 3 सिग्मा 2 3। फिर आगे 3 के लिए तोड़ेंगे हम तो आएगा a 2 3, ठीक है, a 2 1 सिग्मा 3 1 प्लस a 3, हाँ s की वैल्यू 3, ओ सॉरी r की वैल्यू 3, a 2 2 सिग्मा 3 2 प्लस a 2 3, a 2 3 और हाँ फिर लास्ट होगा a 2 3 सिग्मा 3 2 3 2 3 2। एक सेकेंड रुकी, r की वैल्यू 2 हो गई थी, अब यहाँ r की वैल्यू 3 रखी तो 2 1
और 3 1 3 2, हाँ सही है, आर की वैल्यू 3, ए 2 3, सिग्मा 3 रखी ना आर की वैल्यू, हाँ 3 2 3 3, ये कॉम्पोनेंट्स आएंगे। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे हम, तो आप इसका स्क्रीनशॉट फिर से लें। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सिग्मा 1 1 डैश कितना आया, 1 आया। अब हम सिग्मा 2 2 डैश देख रहे हैं, तो सिग्मा 2 2 डैश क्या होगा, देखिए सिग्मा 2 2 डैश A21 दूसरी रो पहला कॉलम 0, फिर A21 0 0, A22 1/√2, लेकिन A21 फिर 0, A22 1/√2 मल्टीप्लाई A22 1/√2, सिग्मा 2 2 4 प्लस A22 1/√2, A23 1/√2 है ना, 1/√2 मल्टीप्लाई सिग्मा 2 3 2 प्लस A23 1/√2, A21 0, ये 1/√2 और हाँ 0, अब A23 1/√2, A22 1/√2 और सिग्मा 3 2, ये रखेंगे वैल्यू, यानी कि A23 1/√2, फिर A22 1/√2 और सिग्मा 3 2 2, ठीक है, प्लस A23 1/√2, A23 1/√2 और सिग्मा 3 3 1/√2 1/√2, सिग्मा 3 3 6। अब देखिए इसे सॉल्व आउट करेंगे, ये 2 आएगा, 2 आएगा और 2 2 आएगा, फिर 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, अगला 1 हो जाएगा और कितने आएंगे, 2 आएगा, 2 3 जा 6, 3 3 2 5 6 1 7, सिग्मा 2 2 डैश कितना आ गया, 7 आ गया, सिग्मा 2 2 डैश आपके 7 आ गया, ठीक है। तो मैं सिग्मा 3 3 नहीं निकाल के बताऊंगी, सिग्मा 3 3 की वैल्यू 3 आ गई, ये वैल्यूज आ गई। अब हमें बी पार्ट केवल शो करना है, तो हमारे सिग्मा 1 1 की वैल्यू 1 1 डैश की वैल्यू 1 आई, सिग्मा 2 2 डैश की वैल्यू 7 आई, सिग्मा 3 3 डैश की वैल्यू 3 आई। अब हमें निकालना क्या है, बी पार्ट, बी पार्ट में हमें क्या शो करना है वो देखते हैं। शो दैट सिग्मा आई आई डैश इक्वल सिग्मा आई आई, ये तो तब मुमकिन है जब हम अलग अलग पार्ट निकालें, तो LHS निकालेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन में देखिए LHS, तो LHS क्या है, सिग्मा आई आई डैश, सिग्मा आई आई डैश को खोलोगे सिग्मा 1 1 डैश, सिग्मा 2 2 डैश और सिग्मा 3 3 डैश। सिग्मा 1 1 डैश की वैल्यू कितनी है, 1 है, सिग्मा 2 2 डैश 7, सिग्मा 3 3 3 10 11, ठीक है 11 आ गया। अब हम RHS फाइंड आउट करें हैं, RHS में है सिग्मा आई आई, तो सिग्मा आई आई को खोलोगे सिग्मा 1 1, सिग्मा 2 2, सिग्मा 3 3, सिग्मा 1 1 की वैल्यू 1, सिग्मा 2 2 की वैल्यू 4, सिग्मा 3 3 की वैल्यू 6, 6 4 और 1 कितना है, 10 और 11, अगेन 11, तो LHS इक्वल हमारे पास क्या आ गया, RHS आ गया। यही हमें प्रूफ करना था बी पार्ट में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तो ये थे आज हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लॉ और ट्रांसफॉर्मेशन लॉ पर बेस्ड एग्जाम्पल। इस टाइप्स के एग्जाम्पल आपने लास्ट यूनिट में भी की थे, तो इस यूनिट में भी सेम एग्जाम्पल और सेम पैटर्न और प्रॉपर्टीज चलेंगी।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे, स्ट्रेस क्वाड्रेटिक इस टाइप्स की इक्वेशंस देखेंगे और उनको सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।